नमस्कार दोस्तों, ग्रिल्स किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दम आलू की रेसिपी। तो आज की वीडियो में मैंने बहुत ही आसान तरीके से दम आलू बनाए हैं, तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दम आलू बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम आलू लिए हैं, ये मैंने छोटे आलू लिए हैं, और मैंने इन आलुओं को एक सीटी लगाकर उबाल लिया है। मसाला आलू के अंदर चले जाए तो मैं कांटे की सहायता से इन आलू में छेद कर लूंगी। तो अब इन आलुओं में हम मसाले डाल देते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, ये तीखी वाली नहीं होती है, ये सिर्फ कलर के लिए है, और साथ ही लिया है मैंने 1/4 चम्मच नमक। तो इन सभी मसालों को हम आलू के साथ अच्छे रंग से मिक्स कर लेंगे। तो सभी मसाले आलू में अच्छे रंग से कोट हो गए हैं, तो हम इन्हें शैलो फ्राई करेंगे। अगर आप डीप फ्राई करें तो इनमें मसाले ना डालें। तो मैंने यहाँ कढ़ाई ले ली है, तो मैं इसमें डाल दूंगी 2 बड़े चम्मच तेल। तो आप देख सकते हैं तेल हमारा गर्म हो गया है, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी आलू। अब गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देते हैं, और मीडियम फ्लेम में आलूओं को हम दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। आलू को लगातार चलाने की जरूरत नहीं है, तो जब तक आलू हमारे फ्राई होते हैं तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो ग्रेवी बनाने के लिए मैंने लिए हैं 3 टमाटर, जिनको मैंने मोटा काट लिया है, साथ में ली है 2 हरी मिर्च और 8 से 10 काजू जिनको मैंने भिगा लिया है, 2 मीडियम साइज के प्याज जिनको मैंने बारीक काट लिया है, और ये मैंने अदरक लिया है, और साथ ही लिए मैंने 8 से 10 लहसुन की कलियाँ। तो प्याज को छोड़कर मैं बाकी की सभी चीजें मिक्सी में पीस लूंगी। खड़े मसालों में मैंने लिया है 1 चम्मच जीरा, 1 तेजपत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 6 से 7 लौंग और 8 से 10 काली मिर्च। अदरक, हरी मिर्च, लहसुन, काजू और टमाटर, इन सभी को मैं मिक्सी में पीस लेती हूँ और एक बारीक पेस्ट बना लेती हूँ। देखिए, इनको मैंने मिक्सी में पीस लिया है, तो पेस्ट तैयार हो गया है। तो अब हम अपने आलू भी चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं आलू हमारे अच्छे ढंग से फ्राई हो गए हैं, तो मैं इनको निकाल लेती हूँ। तो कढ़ाई में मैं डाल दूंगी 2 चम्मच तेल। तो तेल गर्म हो गया है, तो अब इसमें डाल देंगे खड़े मसाले। अब इन मसालों को 1 मिनट तक लो फ्लेम में फ्राई कर लेंगे। तो मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी प्याज, और प्याज को हम मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लेंगे। तो प्याज फ्राई हो गया है, तो इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों मैंने लिया है 1/4 चम्मच हल्दी, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ये कम तीखी वाली होती है, और इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर। तो लो फ्लेम में मैं सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लूंगी, तो मसाले हमारे जले ना, तो मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा पानी। मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून के करीब पानी डाला है, और मसालों को हम तेल छोड़ने तक पका लेंगे। तो देखिए, मसालों से तेल अलग हो गया है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर का पेस्ट। तो अब इसमें डाल देंगे नमक, जिससे हमारे टमाटर जल्दी पक जाए। अब सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा पानी डाला है, पानी डालकर मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे, और लो फ्लेम में मैं इसको पका लूंगी। बीच बीच में आप चेक भी करते रहें, ताकि हमारे मसाले तले में ना लगे, क्योंकि इसमें काजू है, काजू बहुत जल्दी तले में लग जाता है। तो 5 मिनट हो गए हैं, तो हम ढक्कन हटाकर देख लेते हैं। तो मसाले अभी हमारे ढंग से पके नहीं हैं, तो मैं अभी इसे खुला ही पकाऊंगी, और मैं इसको तब तक पकाऊंगी जब तक ये ड्राई ना हो जाए, हमारा मसाला दानेदार ना हो जाए। सब्जी में फ्लेवर तभी आता है जब मसाले हमारे अच्छे ढंग से पके हों, इसलिए मसालों को अच्छे ढंग से पकाएं, तभी आपकी सब्जी में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। 5 से 7 मिनट तक मैंने मसालों को अच्छे ढंग से भून लिया है, तो आप देख सकते हैं मसालों का कलर भी बदल गया है, और मसाला हमारा ड्राई हो गया है। तो अब इस स्टेज पे हम आलू को डाल देंगे, और आलू को हम मसाले के साथ अच्छे से कोट कर लेंगे।
तो आलू हमारे मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो अब इसमें डाल देंगे पानी। तो मैं यहाँ गर्म पानी का यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ 2 कप पानी लिया है। पानी आप अपने हिसाब से डालें, जैसी आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी डालें। तो सभी को अच्छे से मिक्स कर लें। तो अब यहाँ डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक और साथ ही डाल देंगे कसूरी मेथी। अब सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं लो फ्लेम में 5 से 7 मिनट तक इसको ढककर पका लूँगी ताकि सारे फ्लेवर आलू के अंदर आ जाए। तो 5 से 7 मिनट हो गए हैं, तो हम ढक्कन हटाकर देख लेते हैं। तो अब इसमें डाल देंगे हरा धनिया। तो लीजिए, गर्मा गर्म दम आलू बनकर तैयार हो गए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।